सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की उनकी समकक्ष शेख हसीना तथा त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और उनकी पश्चिम बंगाल की समकक्ष ममता बनर्जी ने अगरतला अखौरा रेलवे परियोजना का उद्घाटन किया। इसके अलावा दो अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया, जिनमें पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश तक बिजली की आपूर्ति और फेनी नदी पर अंतर्देशीय जल परिवहन शामिल है। परियोजना के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री बिप्लब देव ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत को अष्टलक्ष्मी और हीरा बनाने के प्रधानमंत्री मोदी के लक्ष्य की तरफ यह एक बड़ा कदम है। यह परियोजना दोनों देशों के बीच सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बंधन को और मजबूत बनाएगा। अखौरा रेल प्रकल्प, এই প্রকল্প হওয়াতে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতার সঙ্গে দূরত্ব এক তৃতীয়াংশ হয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকল্পের মাধ্যমে নর্থ ইস্টকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে হীরা বানাতে চাইছেন, এইচ ফর হাইওয়েজ, আর ফর রেলওয়েজ, আই ফর হাইওয়েজ, এ ফর এয়ারওয়েজ। হিমালয় রাজ্য সিকিমকে আপনা পহলা সরকারি নার্সিং কলেজ আর আয়ুষ অস্পতাল মিল গিয়া। मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने नर्सिंग कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया। नवनिर्मित कॉलेज में विद्यार्थियों के पहले बैच की कक्षाएं शुरू भी हो चुकी है। सिक्किम सरकार की ओर से स्नातक स्तर तक निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, इसलिए नर्सिंग कॉलेज का पाठ्यक्रम भी निशुल्क है। मुख्यमंत्री चामलिंग ने कहा कि अगले साल राज्य में नया मेडिकल कॉलेज भी शुरू किया जाएगा, जिससे MBBS का पाठ्यक्रम भी निशुल्क होगा। मेडिकल कॉलेज का निर्माण आगामी 1000 बिस्तर वाले मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के भीतर किया जाएगा, जिसका निर्माण इसी वर्ष के भीतर पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नर्सिंग कॉलेज और राज्य में प्राउड मदर स्कीम की वेबसाइट भी लॉन्च की। इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल हैज OPD फॉर आयुर्वेदा, होम्योपैथी, आमजी एंड इट हैज अ योगा हॉल वेयर थेरेप्यूटिक एंड जनरल योगा इज गिवन। Then it has a panchkarma unit where so many like steam bath facility, like shirodhara facility, like oil massage, all kind of facilities are available here. शिलांग के 3 माइल में एक जलाशय को कुछ असामाजिक तत्वों ने दूषित कर दिया है। जलाशय में पुराना मोबिल डालकर पानी को दूषित किया गया है। इस जलाशय से 1800 परिवारों को पेयजल की आपूर्ति कराई जाती है। पानी के दूषित होने की बात से अनजान प्लम्बर ने सुबह पानी खोल दिया था, लेकिन बाद में पानी का रंग काला देखकर उसे पता चला कि पानी दूषित हो चुका है। यह जलाशय समीप ही एक डिस्पेंसरी से सटा हुआ है। हालांकि अभी तक चिकित्सा सेवा में इस वजह से कोई पेचीदगी नहीं आई है, लेकिन सवाल यह है कि मेघालय में पेयजल आपूर्ति कितना सुरक्षित है। This actually this is a water reservoir. Here what we find out in this treatment plant capacity is about 40,000 to 50,000 liters. So from this reservoir here it supplies water to this Nongset locality. Here we have got about 1,800 households. So what happened this morning, actually we never know that water is already contaminated. So at 6 o'clock, we have already released the water to the inhabitants of the locality. Only when the plumber came to close the tap at about 8, we found out that this water is dirty like this. Maybe by mobile or some unknown lubricants. कैप्टन दिवंगत एंड कंगरूज MVC की याद में कोहिमा के स्थानीय खेल मैदान में राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का 4th संस्करण शुरू हो गया है। 10 सितंबर से शुरू हुए इस टूर्नामेंट का समापन 22 सितंबर को होगा। टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही 24 टीमों और दर्शकों को संबोधित करते हुए IGAR नॉर्थ मेजर जनरल PC नायर ने कहा कि इस टूर्नामेंट ने खेल के प्रति जो उत्साह बढ़ाया है वह असम राइफल्स की इस पहल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। टूर्नामेंट में कुल 24 टीमें हिस्सा ले रही है। प्रतियोगिता के विजेता को 1,70,000 रुपयों का नकद इनाम और ट्रॉफी दी जाएगी। Or who have played some very very intense matches in their respective districts to reach here, and I see a lot of expectations from them to
take the winner's prize, which is a huge amount. This tournament, as you would know, is the fourth edition, the KPSA Football Cup, which is being held in Nagaland. This is the fourth edition. And as the tournaments have grown, the level of interest, enthusiasm, participation of various teams has increased, which has actually been of great encouragement to us in the Assam Rifles.